नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या। बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर कैट का फॉर्म कैसे भरें और जब भरें तो आईएम के कौन कौन से प्रोग्राम पे रजिस्टर करें, तो उस पर एक छोटा सा ये प्रोग्राम है। रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर, अगर नए यूजर हैं तो यहाँ पे रजिस्टर करिए। साइन इन करना है तो यूजर साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूजर, अगर पहले से आप रजिस्टर कर चुके हैं तो यहाँ पे आप जाएं और यहाँ पे जाने के बाद अपना यूजर आईडी जो आपको मेल आईडी पे मिला होगा उसको डालें, पासवर्ड आपके मोबाइल पे आया होगा उसको डालें एंड देन लॉग इन। अंदर जाएंगे आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे मिलेंगी और फिर ऊपर यहाँ पे कॉर्नर पे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएंगे, आपको यहाँ पे पांच सेक्शंस मिलेंगे। पहला पर्सनल डिटेल्स, दूसरा एकेडमिक डिटेल्स, तीसरा वर्क एक्स, चौथा प्रोग्राम और पांचवा पेमेंट। पर्सनल डिटेल्स में क्या लिखना है ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, कैंडिडेट का जेंडर क्या है, आधार कार्ड नंबर अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अपना एड्रेस डालिए और नीचे सेव और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइए। दूसरा एकेडमिक्स, एकेडमिक्स पे आएंगे, आपके ऐसे क्लिक करेंगे और एकेडमिक्स पे बहुत ही सिंपल सी चीज है, अपने 10th का परसेंटेज डालेंगे दोस्तों, 12th का परसेंटेज डालेंगे दोस्तों, ग्रेजुएशन का परसेंटेज डालेंगे, अगर अपियरिंग है तो यहाँ पे यस डालेंगे, फाइनल है तो मतलब पास आउट हो चुके हैं तो यहाँ पे डालेंगे, और अगर अगर आपका बी कॉम प्लस एल एल बी करके है कुछ तो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो मैं भूल गया बताना, वो ये है कि आप फिर से पीछे चलेंगे पर्सनल डिटेल्स पे। ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे आप फोन करते हैं मुझे कि सर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि फोटो हम लोग कैसे डालें, क्या साइज का डालें, तो भैया देखिए आप लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और अगर फोटो में जाएंगे तो ये साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 mm × 45 mm की फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। बच्चा कहता है रिसाइज कैसे करें, रिसाइज करने के लिए सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट का पिक्चर मैनेजर करके आता है उस पे जाइए और आप आराम से उसको रिसाइज कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज उसका 80 KB हो, ये बात का ध्यान रखें। इसी तरह सिग्नेचर के लिए भी दिया हुआ है, वहां पे डिटेल्स दी हुई है, वहां पे जाएं और उसके बारे में बात करें, उसी तरह रिसाइज करें। वर्क एक्स, वर्क एक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस कि वर्क एक्स में आप देखिए आपका वर्क एक्स किस टाइप का है, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, ड्यूरेबल इंजीनियरिंग, फास्ट मूविंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल है, हेल्थ केयर है, रिटेल है, टेलीकम्युनिकेशन, अदर्स है, जिसमें भी है वर्क एक्स लिखिए, अगर नहीं है तो धीरे से यहाँ टिक मार देना है अदर्स पे और अदर्स पे आपका वर्क एक्स जो होगा उसको मंथ्स पे लिखना है। मेक श्योर कि आप जो वर्क एक्स डाल रहे हैं इट इज इन नंबर ऑफ मंथ्स एंड देन वी कम टू द प्रोग्राम सेक्शन। नाउ दिस इज व्हाट द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये फ्रेशर के लिए भरा जा रहा है, तो बीच बीच में इफ एट ऑल यू सम फ्यू पीपल हु आर एक्सपीरियंस एंड फ्यू पीपल हैव गुड प्रोफाइल एंड दे वांट टू फिल द फॉर्म, सो आई विल कीप ऑन टेलिंग व्हाट प्रोग्राम्स डू यू नीड टू कंसीडर, बट दिस प्रोग्राम ऑल द प्रोग्राम्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आई एम टॉकिंग टू दोज पीपल हु आर फ्रेशर्स, ओके। सो दिस फॉर्म इज बीइंग फिल्ड बाय बाय और फॉर्म फ्रॉम अ फ्रेशर्स पर्सपेक्टिव। फर्स्ट I am Ahmedabad PGP. PGP is postgraduate program. Postgraduate program is 2-year program from IIM and EPGP, executive PGP, it is 1-year program for IIM. So if you have a work ex of more than 5 years, go for EPGP, and if you have work ex of less than 5 years, go for PGP. This is a 2-year program, residential program. This is a 1-year program. This is interview city. Please click the nearest city for interview, and you have two options out here. For example, I want to choose two cities, Delhi and Mumbai. Similarly, whatever cities are, you know, accessible and nearby you, mark them for the interview thing. So if you are a fresher, college pass out, fill this PGP program and not this EPG program. Fill this EGP program, tick this EPGP program only and only if you have work ex of more than 5 years. Now this is third program is IIM Ahmedabad PGP FABM, postgraduate program in food and agribusiness management. Agribusiness management is a wonderful program if you are from from this biotech department, biotech or maybe agriculture or no any field which you think you relate yourself to agriculture, go for agribusiness management. Agribusiness management has wonderful placements. Upar se IIM Ahmedabad ka brand, it is a beautiful program, and the best part is freshers also can make into this FA food and agriculture business management. Then we have this FPM program. FPM program practically is for those people. So if you are a fresher, you may go for this.
And if you have, you relate yourself to agriculture, you can go for this as well. Now, I'm Ahmedabad FPM. This is meant for those people who want to go for a doctoral program. Doctoral program in the sense they want to do PhD, they want to become professors, or even if you want to go for a long-term management degree, FPM is the thing for you. So you can get into this. FPM bada acha hota hai. Why? Because kam percentile bhi call aa jati hai. So it's okay. Ja sakte hain. Again, I am ka Amritsar program PGP. Now this is 2-year program and this is FPM is 4-year program. So mind it before you go for it. Okay. I am Amritsar PGP Enterprise Management. Enterprise Management is for those people who are they want to go for weekend program and they want to upgrade their jobs. You can go for this program. It is not meant for freshers particularly. This is not meant for freshers. So if you are a fresher, please don't go for PGPEM program. Then we have this PGPM, Public Policy Management. Public Policy Management is particularly for those people who are into government services and they want to learn about management. So you can go for PGPPM. तो फ्रेशर हो तो मत भरिएगा एफपीएम फिर से बता चुका हूं पीजीपी बता चुका हूं पीजीडीएम बता चुका हूं एफपीएम बता चुका हूं पीजीपी बता चुका हूं ठीक है आगे चलते हैं ईपीजीपी एग्जीक्यूटिव पीजीपी होता है एक साल का प्रोग्राम होता है फिर से एक्सपीरियंस लोग के लिए होता है फ्रेशर्स के लिए नहीं होता एक्सपीरियंस अगर 3-4 साल भी नहीं 5 साल का वर्क एक्स है तो ईपीजीपी प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं आप इंदौर के लिए एफपीएम नॉट डन 4-year program, not done in 4-year program, freshers ke liye nahi hai, aur 4-year program ke liye hai, jana chao, professor banna chao, to zarur jaiye, PhD kariye, doctoral degree lije, maze lije jeevan ke. Human Resource Management, PGP, HRM, Human Resource Management is for those people who want to go for HR, so take this if at all you are filling the form. Theek hai. Again we have PGP, and I will mark this all of with few people ताकि आप लोगों को किसी भी तरीके का कोई problem ना हो fresher के लिए ठीक है FPM भरना है तो भैया भर देना मैं mark नहीं कर रहा हूँ लेकिन भर देना अगर आपको MBA में जाना है doctoral degree के लिए जाना है अच्छा next is I am काशीपुर PGP program then we have I am EFPM is a different thing ये सिर्फ उनके लिए है जिनका 10-12 साल का work experience है एक साल ये बहुत डिफरेंट प्रोग्राम है फ्रेशर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है बिल्कुल ना भरें एफपीएम भी बिल्कुल ना भरें ईपीजीपी अगेन फिर वर्क एक्स वालों के लिए पीजीपी आई एम कोजीपुर का जरूर भरिए फ्रेशर लोग एफपीएम मैं नहीं भर रहा हूं लेकिन आपको डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए जाना है तो भर दीजिए मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं फिर से पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भर सकते हैं पीजीपी भर सकते हैं और ये भी भर सकते हैं वही एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है बहुत अच्छा प्रोग्राम है जा सकते हैं this is PGPSM, PGP is Securities Management का प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम है और काफी मतलब लोग इसमें जा रहे हैं फाइनेंस और अगर आपको स्टॉक मार्केट और ये सारी चीजों में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हैं इसके बारे में बहुत कुछ मेरे को आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस प्रोग्राम लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ निकाला तो था होल्ड करिए ये देखिए सिक्योरिटीज मार्केट पे है और इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी फॉर करियर एस्पिरेंट्स फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट टू ऑब्टेन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बोथ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल फ्रॉम इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय सिक्योरिटीज एंड सेबी के लिए अच्छा तो मतलब ये देख लीजिए अगर आपको इन सब चीजों में भैया इंटरेस्ट है तो भैया चले जाना इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम रिसर्च ट्रेडिंग फाइनेंशियल एनालिटिक्स एडवाइजरी एंड स्टॉक ब्रोकिंग ठीक है चलिए अब आगे चलेंगे हम लोग ये पीजीपी SM ठीक है FPM बता चुके हैं आई एम नागपुर का पीजीपी हो गया रायपुर का पीजीपी हो गया वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स ये पीजीपी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स के लिए है तो अगर भैया नहीं है वर्किंग नहीं हो तो मत भरना EFPM फिर से वही एग्जीक्यूटिव FPM है 7 साल से ऊपर के वर्क एक्स वाले ही जा सकते हैं FPM फिर से वही है PGDM में जा सकते हो और PGDHRM आई एम रांची का इसको मार्क करें कृपया उसके बाद हम लोग चलेंगे आई एम रोहतक पीजीपी मार्क करेंगे EPGP बता चुके हैं FPM बता चुके हैं EPGPX वर्किंग ये भी वही होता है EPGPX ये देखिए यहाँ पे मैंने निकाला हुआ था इसके लिए EPGPX यस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूटिव्स तो अगर आप 1-year प्रोग्राम है और अगर आपको लगता है कि इसमें यस
अगर आपको जाना चाहिए इसमें तो जा सकते हैं, लेकिन फ्रेशर के लिए मैं इसको, फ्रेशर के लिए नहीं है ये, ठीक है। पीजीपी आई एम ये आई एम शिलोंग का पीजीपी और फिर सिरमौर का पीजीपी भर दीजिए, त्रिशुरपुरी का पीजीपी, त्रिशरा ये पीजीपी भर दीजिए और पीजीपी बीएम बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड बिजनेस मैनेजमेंट भर सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम है ये भी, और पीजीपी ये मार्क कर सकते हैं और ये पीजीपी मार्क कर सकते हैं। तो भैया ये है फ्रेशर्स के लिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो बच्चे फ्रेशर हैं वो कौन कौन सा आईएम का प्रोग्राम भरेंगे, आईएम अहमदाबाद का पीजीपी, आईएम अहमदाबाद का पीजीपी एफएबीएम, आईएम अमृतसर पीजीपी, आईएम बैंगलोर पीजीपी, फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए आई एम बोधगया पीजीपी, इंदौर पीजीपी, आई एम इंदौर पीजीपी एचआरएम, आई एम काशीपुर का पीजीपी, जितने पीजीपी वाले हैं उसको भर दीजिएगा, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले भर दीजिएगा, एफपीएम वो लोग भरिएगा जो डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम वो लोग भरिएगा जिनके पास 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्स है, और एग्जीक्यूटिव एफपीएम वो लोग भरेगा जिनके पास 7 साल से ज्यादा का वर्क एक्स है। जो लोग वीकेंड में पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आई थिंक इट इज पीजीपीईएम, यू नो जो लोग जाना चाहते हैं और कुछ यू नो वर्क वीकेंड का भी एक बैच यहाँ पे, वीकेंड का ही प्रोग्राम है ये, कोई इसमें ऊपर था, ठीक है। तो ये जो फॉर्म्स हैं एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है, मैं इसको बिल्कुल धीरे धीरे ले जा रहा हूँ ताकि जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं वो लोग अपना कौन कौन सा फॉर्म भरें इस पर अच्छे से उनको जानकारी हो जाए, ठीक है। एक दो साल का अगर वर्क एक्स है भी तो भी आप लोग एग्जीक्यूटिव मत भरिएगा, एग्जीक्यूटिव के चक्कर में तभी पड़िएगा जब 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्स हो जाए, एग्जीक्यूटिव के चक्कर में तभी पड़ेंगे जब 5 साल का वर्क एक्स हो जाए। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव के चक्कर में ना पड़े, फ्रेशर हैं तो पक्का पीजीपी के ही चक्कर में जाएं, और 2-3 साल का वर्क एक्स है तो भी पीजीपी के ही उसमें जाइए, ठीक है। टेस्ट सेंटर यहाँ पे आप भर सकते हैं, जैसे मेरा टेस्ट सेंटर, अगर आप पूछें मुझसे कि कौन सा होना चाहिए तो मैं लखनऊ भरूंगा, मैं इधर एल से लखनऊ और के से कानपुर, क्योंकि मेरे पास में है, मेरे शहर के पास में है, ऐसे ही आपके अगर शहर के आसपास, ये देखिए कानपुर आया, आपके शहर के आसपास जो भी प्रेफर, तीसरा आप मैं हूंगा तो मैं वाराणसी भर दूंगा, और चौथा मैं हूंगा तो मैं इलाहाबाद भर दूंगा। आप चाहें, जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मेरे आसपास के शहर ये हैं, और ये करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट में आप जा सकते हैं पेमेंट के गेटवे पे, और पेमेंट के गेटवे पे आपको जा करके ये आप पैसा अपना पे कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, कैश कार्ड, वॉलेट, किसी भी चीज से भर सकते हैं। तो भैया ये था पूरा कैट का इंफॉर्मेशन, कैट के प्रोग्राम्स का इंफॉर्मेशन। अलग अलग परसेंटाइल पे अलग अलग कॉलेजेस का फॉर्म भरना है, और उस पर एक वीडियो में बना के बहुत जल्दी डाल दूंगा, और आप जितने भी फंडा मेकर्स के बच्चे हैं प्लीज प्लीज कंसल्ट मी बिफोर यू फिल एनी कॉलेज फॉर्म, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ डिसीजन। आई थिंक आई हैव डन माय वर्क फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड, फिल अप योर फॉर्म, डोंट फॉरगेट, 20th September इज द लास्ट डे, सो डोंट फॉरगेट, बाय, टेक केयर एंड लॉगिंग आउट, Bye-bye.